तो ये देखिए सुंदरी कैसे उड़कती हुई, ये है सुंदरी। आजा सुंदरी, तू भी आजा आजा। ये देखो ये सुंदरी मुंदरी आ चुकी है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी सुबह हो चुकी है और मैं निकल चुका हूँ अपने तंबू से। और बाहर का माहौल देखिए सुबह सुबह का। काकू भाई जय जय, गुड मॉर्निंग। चाह भी पियेंगे, कोई बात नहीं, पीते हैं। कोई बात नहीं, आप तो पियो। तो सुबह सुबह ये कर रहे हैं काम। इनको क्यों अलग अलग कर रहे हो, क्या बात है? अपनी अपनी करनी है ना। अच्छा अच्छा, अपनी अपनी अलग करनी है, फिर ले जानी चराने चराने ले जानी। अच्छा, चराने को लेकर जाना फिर। अभी अलग अलग कर दिया इनको, अब होगी सुबह की चाय इंजॉय। ऐसे माहौल में आप देख सकते हो बाजी। जब भाई लगे सुबह सुबह बकरी का दूध लेने, तो ये है इनके कुत्तों की नस्ल। आप देख सकते हो इसकी पूंछ, देख सकते हो भाई कितनी हैवी है। तो अभी हम आ चुके हैं थोड़ा इस साइड, ये सामने है डेरा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। बस अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपको। दोस्तों एक डेरा ये है यहाँ पे, और इस साइड देखिए, वाह यार क्या नज़ारा है सुबह सुबह का। सुबह सुबह दोस्तों वैसे भी वार्म अप तो थोड़ा करना चाहिए, तो बस मैं निकल आया हूँ थोड़ा घूमने फिरने के लिए यहाँ पे। सो अभी थोड़ा आपको पास से जाके एक माहौल बताते हैं यहाँ का। इस पर हाल देखिए इसका, कितना ही यहाँ तक ख़राब हो चुका है। और इधर देखिए पानी ही पानी है भाई साहब, आगे तो बिल्कुल ही पानी पानी पानी, हर एक तरफ पानी पानी। और ये यहाँ तक भी पानी आ गया होगा, उसके कारण देखो कैसे हो चुका है। और पानी बहुत ज़्यादा हो चुका था यहाँ पे, आपको पता ही है, जो इस बार ऊपर तबाही हुई है मंडी वाली साइड, तो वो सारा पानी इसी में आया था। तो यही वो इतना विशाल काय डैम है जिसमें आके वो सारा पानी इकट्ठा होता है, फिर इधर से चला जाता है सीधा ही तलवाड़ा को। ये पोंग डैम है तलवाड़ा वाला, तो ये सारा पानी देखो कितना ही ज़्यादा पोंग डैम में पानी है इसमें। और सुबह सुबह यहाँ पे सैर करते करते हमें भेड़ बकरियाँ भी मिल चुकी हैं, ये भी सुबह सुबह लुप्त लेती हुई घास का। ये डॉग आ चुका है इनके साथ, और ऐसे लग रहा है कि किसी टापू में मैं फंस चुका हूँ। तो मेरे पीछे मलबा ही मलबा आप देख सकते हो, ये सारा ही पानी आया होगा। उस टाइम जब बाढ़ आई थी तब यहाँ तक पानी आ गया होगा, तो उस वजह से ये सारा मलबा देखो, तब बोलते बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी ऊपर मंडी वाली साइड में, तो वो सारा पानी इधर ही आया था और यहाँ तक पानी आ गया होगा मेरे हिसाब से ये वाला सारा, क्योंकि उस टाइम पानी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इधर एक ग्लेशियर है यहाँ पे पास में ही है ग्लेशियर मंदिर, तो वहाँ पे भी तबाही हुई थी और मंदिर भी वो टूटने वाला ही था, इतना ज़्यादा पानी आ चुका था। तो मेरे को लग रहा है उसी वजह से ये वाला सारा फुल हो गया होगा। देखिए कितना कुछ पानी कहाँ कहाँ ऊपर पहाड़ से यहाँ पे बच्चों का, और कितने कितने जूते आए हुए हैं यहाँ पे पानी के साथ, आप देख सकते हो। ये देखिए मलबा ही मलबा है हर एक तरफ। हम आ चुके हैं अपने डेरे के पास, और वो देखिए तंबू लगा हुआ है हमारा। ओ भाई ने हाथ हाथ कर दिया। तो हम जा रहे हैं अभी अपने डेरे के पास। इसको देखिए यार, ये मेरे पास से ही नहीं जा रहा, मेरे पास से क्या इसके पास से नहीं जा रहा। इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अरे ओ चुन्नू चुन्नू, अरे चुन्नू बेटा, तेरे को ठंड लगती है? तेरे को ठंड लगती, तेरे को ठंड लगती बता, इसको ठंड लगती है, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसको सबसे ज़्यादा यही पास आ रहा है आके बार बार। देखो कितना पास जा रहा है आके, जल जाएगा रे, अरे जल जाएगा तू। और इसको देखिए ये कैसे पीछे पड़ा हुआ है, बेडी के बेडी के। तो ये देखिए दोस्तों, ये सबसे अजीब लग रही है बीच में से, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ये देखिए, अरे यार सुंदरी ये मारेगी तो नहीं? दोस्तों इनसे डर लगता है यार, बड़े बड़े से ना, इनके सींग बड़े तिखे से होते हैं, ये ऐसे एकदम ऐसे करके वो कर देते हैं। ये सुंदरी है ना, इसके बाल बड़े बड़े हो गए थे, बोलते ऐसे मुंह के पास आ रहे थे तो काट दिए। तो ये देखिए सुंदरी कैसे उड़कती हुई, ये है सुंदरी। आजा सुंदरी, तू भी आजा आजा। ये देखो ये भी आ गई सुंदरी, ये देखो ये सुंदरी भी आ चुकी है।
और मुंदरी भी आ चुकी है, ये सुंदरी मुंदरी आ चुकी है दोस्तों। तो ये टास्क बहुत टफ होता है, इधर देखिए ये कैसे चाट रहा है, इसको चाहिए भाई दूध। तो दोस्तों इस टाइम क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं अपनी भेड़ बकरियाँ, तो इस टाइम परेशानी पे ही है पड़ी है। तो परेशानी ये पड़ी है कि जो इनकी चार पांच बकरियाँ थी वो मतलब कि इनको मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने अभी वो ढूंढी है। अब चार पांच बकरियाँ इनको उसमें से निकाल के दूसरे डेरे को देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी भी बीच में मिक्स हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा परेशानी भी आ जाती है जब वो डेरा साथ में चलते हैं सभी डेरे, तो ऐसे उन डेरों को कोई इसमें मिक्स हो जाएगी, कोई इनके उधर हो जाएगी, तो ये सोचो कैसे मतलब परेशानी पर परेशानी है बाहर रह के। तो इनको पहले तो चोरों से भी परेशानी है ना, हर एक तरीके का खतरा, जंगलों के बीच में इतना खतरा, इतनी मेहनत करनी पूरी पूरी रात, आपने देखा ही है कैसे कैसे मेहनत करते हैं। तो उसके बाद ये अलग पंगा हो जाता है सुबह का, जब ये अपना माल देखते हैं तो कुछ माल इनका इधर उधर चला गया होता है। दोस्तों ये गद्दी लाइफ इतनी भी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं। अभी दोस्तों थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ये मेरे साथ लमकोरा था, इसको हम उठाएंगे ऐसे, लो अब मजे इसके अंदर जाके जाओ। ये सर्कल बना दिया है, ये इनमें इसमें से जाएंगे नहीं, कांटे वगैरह भी है, तो इनको ऐसे साइड में रख के फिर भाई माल को लेके जाया जाएगा चराने के लिए। ये देखिए ये योड़ा कैसे बैठा हुआ है, काम रहा है। अरे तुमको क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए ये जनीक सा कलर, और यार ये बड़ी अलग सी लगी मेरे को, देखिए और ही नस्ल है, कोई खतरनाक वाली नस्ल है भाई, कान देखिए इसके, ये नस्ल बहुत अलग है। ये है बड़े वाला बकरा, इसको देखिए कैसे ये पत्ते वगैरह कैसे खा रहा है, ये देखो काकू भाई, ये छोटे छोटे बच्चे भी खाते हैं पत्ते वगैरह, खा लेते हैं ये भी छोटे छोटे, कितने दिनों के बाद लग पड़ते हैं ये खाने, 15-20 दिन के बाद तो दोस्तों 15-20 दिन के बाद ये भी पत्ते खा लेते हैं, पर दूध तो इनको दूध ज्यादा पसंद करते हैं छोटे छोटे ना, दूध ज्यादा और पत्ते कम नहीं खाते हैं। तो ये सारे आ चुके हैं, बेड बकरियों के बच्चे सभी आ चुके हैं, तो इनको ऐसे क्यों रख दिया बीच में, नहीं कोई गिदड़ खा जाता कोई क्या खा जाता, सोए रहते बने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये फिर यहाँ पे ऐसे रहेंगे, आप चले जाओगे फिर आगे चराने, ना ना इतने बंदे रहने की, एक बंदा रहेगा ना, कुत्ते पड़ जाते नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तो ये इनका बचाव का घेरा है दोस्तों, ये है इनके बचाव का घेरा, देख सकते हो कैसे बन चुका है। तो जब मैं कैंप वगैरह के लिए निकलता हूँ तो मेरे लिए इतना ही सामान रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो बहुत टाइम लगता है इसको पैकिंग करने का, बड़ा कुछ है, कोई कैमरे का स्टैंड है, कोई बैटरी वगैरह है, कोई कुछ है, बैग में सारा कुछ पैक करना, उसके बाद फिर उसे ऐसे लगाना पूरा कमरा टाइप बनाना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मैं तो इतने में थक जाता हूँ, तो ये सोचो कितनी मेहनत करते हैं भाई अपने गद्दी भाई, जो कि हिमाचल की शान है, तो बहुत इनको सल्यूट है, बड़ा स्ट्रगल करते हैं ये अपनी लाइफ में। तो देखिए कैसे इनको फिर जब आगे के लिए जाना तो कितना सामान इनको उठाना पड़ता है, तो ये अपना डिवाइड कर लेते हो ना सभी में, जब थोड़ा तुमने उठा लोगे थोड़ा वो उठा लेंगे थोड़ा वो, है ना, ऐसे ऐसे करके। और सुनाओ ठीक हो ना, कैसे रहा ऊपर का सफर आपका, लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति में कोई दिक्कत तो नहीं आई, नहीं आई बर्फ में दिखता है, कोई कुछ दिक्कत नहीं आई थी वहाँ पे बर्फ में, 2-3-4 फुट। अच्छा, तो कोई वैसे तो नहीं कोई भेड़ बकरियां नीचे आई बर्फ में, नहीं आई थी, नहीं नीचे थोड़ी आई थी थोड़ी थोड़ी। अभी भाई अपना डेरा भी जाना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो अपने गद्दी भाई अपने में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखने को मन सच में करता है, तो नेचुरल लाइफ एक जीना और एक देखना दोनों में बड़ा डिफिकल्टी है। तो अभी मैंने इनको अपना पूरा सामान बताया, वो देखो वो सिलेंडर वगैरह ये है सब कुछ, और ये आप देख सकते हो कैंपिंग का वो है, और ये स्लीपिंग बैग वगैरह, तो ये बोलते कि भाई सच में जुगाड़ पूरा रखा तुमने, तो बाहर रहना बड़ा टफ है, तो ये तो कुछ भी नहीं है भाई, बाहर दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आ गया डॉग, ये देखिए ये आ गया भाई एक डॉग इनका। सो भाई दोस्तों अभी मैं और भाई रह चुके हैं डेरे में, तो बाकी जा चुका पूरा डेरा, आप देख सकते हो ऐसा पूरा माहौल है,
तो हमारे पास हमारे साथ तो भाई सिर्फ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए थोड़ी देर के बाद मैं अभी पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ ना, थोड़ी देर के बाद भाई भी अपना खाना वगैरह बनाने स्टार्ट कर देंगे। सो फाइनली दोस्तों हमारी पैकिंग होना स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो भाई वहाँ पे बैठे हैं और ये मैंने सारा सामान पैक कर लिया भाई, अपना टेंट भी क्लोज कर रहा हूँ अभी मैं। हमारी पैकिंग हो चुकी है डन, अब खाना बनाएंगे, तो उसके बाद खाना बना के फिर खा के फिर भाई निकलते हैं जल्दी ही, क्योंकि मेरे को जाना है ड्यूटी पे। तो आपको पता भाई काम तो जो अपने चल रहे हैं साथ में वो भी करने पड़ेंगे। तो बस आज का सफ़र हमारा इतना ही था इनके साथ, तो अब देखता हूँ कि कैसे कैसे ब्लॉग बनते हैं, जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे अभी आपको ये वाला सफ़र पूरा बता के फिर आएंगे इनके पास 2 या 3-4 दिनों के बाद। ये है दोस्तों हिमाचल की दातन, भाई अभी हम जा रहे हैं बच्चे देखने। भाई इस पर तो बोलते हैं कि बच्चे दिए हैं डॉग ने, तो मेरे को पसंद आएगा तो मैं भी एक ले लूँगा यार घर के लिए, देखते हैं। भाई ये तो तगड़े वाली नस्ल है ना, अरे भाई ये तो बड़ी खतरनाक नस्ल है। अच्छा ये बच्चे हैं, देख बहुत बुरी रही है ना, ये उससे बड़ी होगी है ना डॉग। वाह जी वाह क्या बात है, आपको भी नहीं है ना खाने पड़ेगी आपको भी। अबे ऐसे नहीं लगने देती, जब हम छक्का उठा लेंगे चल पड़ेंगे ना। हाँ। तब नहीं खाएगी। अच्छा तब नहीं करेगी, हाँ, पर ऐसे बोलेगी। तो भाई ये देखो जी, ये दिए इसने बच्चे, कितने बच्चे दिए हैं ये? तो 5 है अभी, 5-6 है इसमें ना, 6